लेकिन रमेश भाई को लेके आया, मैं लेके आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं टेबल टॉक विद फातिमा सैफ और मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा सैफ। खवातीन और हज़रात, 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए चारों सूबों में सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, लेकिन सिंध की सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती, MQM की सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। सारा दिन आज खबरें आपके सामने रही हैं, MQM जो है 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, सिर्फ एक शख्स की वजह से, कामरान पिस्तौरी साहब की वजह से। एक तरफ सतार ग्रुप है तो दूसरी तरफ आमिर खान ग्रुप है। कहा यह जा रहा है सेनेट के इलेक्शन से पहले MQM का जो सामने बयान आया है, उन्होंने कहा जी घर का मामला है, घर में हल होगा। लेकिन अवाम ये पूछती है, हम सब ये पूछते हैं कि आप लोगों ने सेनेट के लिए अपने उम्मीदवारों को नामजद करना है तो जो सेनेट के मेंबरान होते हैं, जो सेनेटर्स होते हैं, क्या वो हुक्मरान के लीडर्स नहीं होते? क्या वो हुक्मरान आवाम की हुक्मरानी नहीं करते? तो फिर सवाल मीडिया वाले क्यों ना उठाएं? उनका ये भी कहना था फारूक सत्तार साहब का जी कि मीडिया में अफवाहें फैल रही हैं और मीडिया के जो लोग हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है, महज इस मामले को उछाल रहे हैं। अब हम क्यों ना उछालें, इस पर बात तो होनी चाहिए। सेनेटर्स ने आखिर बिल आखिर आवाम ही को सर्व करना है तो फिर आवाम का हक तो बनता है कि वो सवाल उठाएं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे MQM से रिलेटेड करेंगे, सेनेट के जो इलेक्शन हैं करीब हैं। कल भी मैंने शो में हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सी जो हमारी ब्लेम गेम चल रही है, जो तमाम बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रही जी कि 25-25 करोड़ की एक सीट जो है वो बिक रही है, क्या मामला है आखिर? अब जो आप सियासी धारों की बात करते हैं तो फिर सीटें इस तरह ही बिकेंगी, तो फिर इसका मतलब है कि आवाम बेचारी उन्हीं मसाइल, जहरीले पानी से लेकर बिजली के मसाइल और का बहरान का सामना करती रहेगी। आज इस पर हम बात करेंगे जो तमाम मेरे पैनलिस्ट हैं, जो जिनको आज मैंने मदू किया है, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मियाँ मरहूब रहनुमा मुस्लिम लीग। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इसके साथ साथ रहनुमा तरीके इंसाफ जरदार गुल साहिबा, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द शो। फायजा मलिक है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और शाहिद लतीफ़ हैं हमारे साथ दिपाही तजियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो से। सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब, दिपाही तजियाकार हैं। सर सबसे पहले आपसे मैं स्टार्ट करूँगी, आपका एक न्यूट्रल जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MQM की सूरत हाल आपके सामने है, कराची की सूरत हाल सामने है, एक तरफ फारूक सत्तार ग्रुप है, एक तरफ आमिर खान ग्रुप है, सिर्फ कामरान टसोरी की वजह से ये 2 धड़ों में क्यों तकसीम हुई है? कामरान टसोरी साहब आखिर क्या चीज़ हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि MQM के साथ जो हुआ और जो अभी हो रहा है कराची में हम देख रहे हैं, देखें ये वही एक जमात है कि पूरा कराची जो है उसको फ्रीज कर दिया जाता था एक इशारे से, यानी पूरा काम काज जो है कराची में वो बंद कर दिया जाता था सिर्फ एक आदमी के इशारे से। तो वो एक गैर फितरी मामला था और अरसा दराज से वो वहाँ पे चलता रहा। अब जब से ये MQM बटी, यानी 2 हिस्से उसके बने, खास कर ये कि एक ने खुद को कहा जी MQM, कहा जी MQM पाकिस्तान है और दूसरी MQM लंदन है, गो इस पर भी बहुत सारे शक्को शुबात हैं। मैं समझता हूँ कि ये फितरी अमल हरगिज़ नहीं है, अंदर ही अंदर से कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके तहत ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। MQM लंदन तो चले मान लिया कि अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो उसकी रहबरी करते हैं, मगर जो MQM पाकिस्तान है इस पर तो लोगों को अभी तक बिल्कुल एतवार नहीं है। तो अंदर ही अंदर ये मामला जो हैं, हर एक बंदा शायद अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाना चाहता है और इसमें मजीद टूट फूट का शिकार होने का बंदेशा है, क्योंकि अभी तक इस पर पूरी तरह से एतबार नहीं बन पाया। और फिर जो पाक सर जमीन वाला मामला है, उन्होंने तो काफी हद तक अपना एतबार लोगों पर बिठा लिया कि बिल्कुल वो एक अलहदा फैक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अंदरूने खाना मामलात हैं MQM पाकिस्तान के, उसकी वजह से ये फिर से धड़ेबंदी का शिकार हो रही है और ये कोई आसान काम नहीं होगा। लिहाजा ओवरऑल
نقصان جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ہوگا مزید دھڑے بندی ہوگی اور جو آئندہ آنے والی الیکشنز ہیں اور خاص کر جب الیکشنز اتنے قریب ہیں تو اس کے اندر وہ ایک صف بندی ہو رہی ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم حقیقی بھی تھی ایم کیو ایم دوسری بھی چل رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی غیر فطری معاملات ہوا کرتے ہیں ان کا نتیجہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا شاہد صاحب یہ بات درست ہے کہ فاروق ستار صاحب ٹیک منٹسوری صاحب صاحب کو اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سینٹ میں ان کا نام نامزد کرتے ہیں تو پی ایس پی کی جانب سے ان کو حمایت حاصل ہوگی جس کی وجہ سے ان کو چار سیٹیں مل جائیں گی دیکھیں اسی لیے میں نے کہا کہ ایک طرح سے یہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے کہ ایک طرح سے وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف اندر ہی اندر کوئی دھڑے بندی کا سماں بن رہا ہے اور جو بھی آدمی اتنی اہمیت کا حامل ہوگا وہ اپنی اہمیت تو ایسے موقع پہ جتلائے گا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سب کے اندر وہ اس طرح کا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ پوری طرح ایم کیو ایم لندن سے علیحدہ ہوئے ہیں وہ بھی ایک قصہ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا یہ مزید دھڑے بندی کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اوورال ایم کیو ایم ہی کو نقصان ہوگا جیسے میں نے کہا کہ کراچی شہر میں اور سندھ میں ان کی ایک بڑی اہمیت تھی بڑا اہم رول انہوں نے آج تک ادا کیا میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اس اہمیت کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے برقرار رکھ پائیں گے ٹھیک ہے فائزہ ملک صاحبہ آپ چاہوں گی فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ جناب سندھ میں سینٹ کی سیٹوں کے لیے لوگ 25-25 کروڑ دے کر سیٹیں خرید رہے ہیں اشارہ آپ کی طرف ہے کیا ایسا ہو رہا ہے آپ کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ دوسری سیاسی پارٹیوں کا شیوا رہا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ تو ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ افزائی کی ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی جانے کے بارے میں سوچا ہے ہاں جس طرح سے خود اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ایک سیاسی کشمکش کا شکار ہے یقیناً ان کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں جو ایم پی ایز موجود ہیں وہ ووٹ نہ دیں ان کو اپنے پارٹی کی طرف سے کھڑے ہو اور وہ کسی اور کو دے دیں تو وہ ان کا ذاتی ایک فیل ہے لیکن خرید و فروخت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کرتی رہی ہے اور نہ ہی ہم کریں گے ٹھیک ہے میں اس پر آپ سے ضرور بات کروں گی بلوچستان سے ریلیٹڈ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں میاں مرغوب رہنما مسلم نون میاں صاحب آپ کے حوالے سے عابد باکسر سے ریلیٹڈ بھی بہت سی خبریں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے آپ کی حکمران جماعت ہے آپ اس طریقے سے ان سچویشنز کو کیسے ٹیکل کریں گے اسحاق ڈار کی اگر بات کی جائے تو ان کو تو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا آپ نے ان کو بھی سیٹ دے دی تو پھر عوام کا جو اعتماد ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا اسحاق ڈار کا کیا فیوچر ہے شکریہ جی دیکھیں جو آپ نے اوور آل سینٹ کی بات کی ہے بالخصوص کراچی کے حوالے سے بات کی ہے تو دیکھیں ایم کیو ایم کا میں پہلے کمنٹ کروں گا کہ ایم کیو ایم کے اندر یہ آج جو توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو جب پارٹی کو پلانٹ کیا گیا تھا 80s کی دہائی کے اندر تو اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر نے اس کو جو ہے آگے بڑھایا تھا اور اس کے بعد دیکھیں کہ کراچی کا امن اس پارٹی نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا 2-3 دہائیوں تک بتاخوری بوری بند لاشیں اور اس طرح جو کچھ بھی خرافات تھی وہ ساری سب کے سامنے تھی اب جبکہ ان کے جو لیڈر تھے ان کو انہوں نے ایم کیو ایم لندن کے بنا لی ادھر ایم کیو ایم پاکستان بن گئی حالات کے حوالے سے اب یہ جو کھیل وہ چلا رہے تھے وہ نہیں چل سکا سر اسحاق ڈار پہ آ جائیں اسحاق ڈار صاحب میں اسحاق ڈار پہ بھی کمنٹ کروں گا دیکھیں اسحاق ڈار کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً آج انہوں نے ان کے نامینیشن پیپر فائل ہوئے ہیں لیکن جہاں تک انہوں نے آپ اشتہاری قرار دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ عدالت کے اندر سب جیوڈس ہے اور دیکھیں جو یہ کاغذات کی جب جانچ پڑتال سکروٹنی ہوگی تو اس میں بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اگر وہ ایلیجیبل ہوں گے تو وہ اس کے اندر حصہ لے سکیں گے اگر ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ حصہ نہیں لے سکیں گے لیکن میں
سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا کسی عدالت نے ان کو کوئی سزا نہیں دی تو جب تک کوئی بھی ایسا عدالت کی طرف سے کوئی ورڈکٹ سامنے نہ آئے اس وقت تک کسی کو بھی جو ہے اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے ووٹ ڈالنے سے یا ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آنے سے نہیں روکا جا سکتا یہ لا قانون کے مطابق ہوگا قانون اس کی اگر اجازت نہیں دے گا تو اس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا اگر قانون اجازت دے گا پہلے آپ قانون کو کافی ملائن کرتے رہے اب قانون اجازت دے گا تو یہ اسے جو آڑ ہے نا لینا یہ مجھے بھی تک رول آف گیم تو رول آف گیم جو ہیں تو ایک رول آف گیم کیپس چینجنگ دائرے کے اندر نا اس دائرے سے بیانڈ تو ہم نہیں جا سکتے نا تو دیکھیں اس کا فیصلہ ریٹرننگ افسر نے کرنا ہے علی ڈار آئیں گے ساگ ڈار سامنے آئیں گے ریٹرننگ افسر کے بعد اوپر اپیلیٹ کورٹس بھی بیٹھی ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے کسی کو اس حوالے سے تشویش نہیں ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہوگا ایز پر لا ہوگا اچھا سردار صاحبہ آپ مسکرا بھی رہی تھیں اور آپ کے حکمران آپ کے رہنما کا یہ بیان سامنے آیا حکمران عمران خان صاحب کا جی کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ ملک سے پیسہ لے کر باہر فرار ہیں ان کا نام نامینیٹ کیا گیا آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ فاطمہ انفارچونیٹلی جو اس وقت سینٹ کا تماشا اور الیکشن کا پاکستان میں جو اس وقت حالات ہے ایم کیو ایم سے لے کر سینٹر میں اور پی ایم ایل این تک بیسکلی تو سینٹ کا تماشا بنایا ہوا یہ ایک بڑی خوبصورت جس کو سینٹ پہ کہتے ہیں نا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہوتے تھے اس وقت تو ایم کیو ایم کا پہلے الطاف حسین صاحب تماشا لگاتے تھے اب ان کا ہر ممبر ہی تماشا لگاتا ہے دن رات وہ اس کو منا رہا ہے وہ اس کو منا رہا ہے مذاق بنایا ہوا ہے سینٹ نہ ہوا پتہ نہیں کیا حالانکہ یہ تو ایک پورے پاکستان کے جیسے سمجھتے کریم جاتے ہوتے کہ پڑھے لکھے لوگ انٹلیکچوئل جاتے ہوتے تھے لیکن اب وہ تماشا بن گیا ہے اب جب آپ سینٹر کی طرف آتے ہیں تو آپ میرا خیال میں کہ کوالٹی آف سینٹر پہ نامینیشن کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے ابھی تو ہم اسحاق ڈار کو رو رہے ہیں کہ ایک شخص جو پاکستان کا خزانہ لوٹ کے لے گیا ہے اسحاق ڈار اور وہ نیب کے اندر بھی وانٹیڈ ہے اور ان کے اوپر انکوائری بھی چل رہی ہیں اور ان کے آخری الفاظ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایگزیمٹ کر دے حاضری سے کیونکہ میں چار منٹ کے لیے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں ان کی جو آخری فوٹیج آئی تھی کوئی 10 قسم کے ان کو عجیب و غریب ایسے وہ لگے ہوئے تھے پائپس جس کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اصل میں بیماری کیا ہے حالانکہ بیماری تو یہ تھی کہ پاکستان کا جو مال ہے وزیر خزانہ وہ لوٹ کے لے گئے تھے سیکنڈ میں ان کے ایک پرانا مقبول صاحب ہے جس کے پیپر انہوں نے نامینیٹ کروائے ہیں جو پولیس سے اس وقت آئے ہیں آپ پی ایم ایل این کا آپ مائنڈ ریڈنگ کریں یہ کس طرح ان کی مائنڈ ریڈنگ ہے دیکھیں رانا مقبول صاحب کا بھی اگر آپ دیکھیں ہم تو ادھر آرٹیکل 63 اور 62 کو رو رہے ہیں آپ تماشا دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جب زرداری صاحب امپریزنٹ تھے تو اس وقت انہوں نے ان کی زبان کاٹی تھی آپ اس طرح کے لوگوں کو نامینیشن کہہ رہے ہیں اور آئی ایم سوری میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لا یا پھر کورٹس بتائیں گی یعنی کہ جس کورٹس کے اوپر آپ ہر روز تماشا لگاتے ہیں جوڈیشری کے اوپر آپ ہر روز اٹیک کرتے ہیں کہ یہ کورٹس ہم نہیں مانتے پانچ لوگ کس طرح جو ہے وہ جنبش قلم سے جو ہے ہمارا مستقبل تاریخ کر سکتے ہیں ہم تمہارے اوپر زمین تنگ کر دیں گے اس کورٹس کی آپ یہ بات کریں کہ ان کو اسحاق ڈار کی ضرورت ہے تو مائنڈ ریڈنگ کریں کورٹ سے پہلے میرا خیال میں کہ ایم کیو ایم کی طرح پی ایم ایل این کا بھی جو حال ہے وہ بہت برا ہونے جا رہا ہے یہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے آپ باکسر سے رانا مقبول تک آئی ایم سوری ٹو سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پی ایم ایل این کا جو ایک ایز کیا اس کو کہتے ہیں سینٹرل جو ایک وہ ہے پارٹی میرا خیال ہے کہ یہ مورلی بھی بہت ہی اپنے گراؤنڈ لوز کر چکے ہیں اور وہ پاکستان کے سامنے ایم کیو کے بعد ان کا بھی تماشا آپ کے سامنے کیا عابد باکسر کیا اسحاق ڈار انسان کس چیز کو روئے کہ یہ ہماری سینٹرل پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی کلیم کرتی ہے ان کا جو ڈیٹیریوریشن ہے یا مورلز ہیں وہ ایتھکس اتنے نیچے گر گئی کہ میرا خیال میں ان کو پارلیمنٹیرینس کہتے ہوئے جن کے نامینیشن نہیں ہیں میرا خیال میں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے شرمندگی میاں صاحب کیا مورل آپ کس مورل بنیاد پر آپ نے یہ تمام دیکھیں یہ بیانیہ اس پارٹی کا ہے محترمہ جو فرما رہی ہیں جس پارٹی نے امپائر کی انگلی اٹھنے کے منتظر رہے اور امپائر یہ دھرنوں کی انہوں نے سیاست کی اور دھرنوں کے اندر جس طرح سے یہ تبرے اٹھاتے تھے جس طرح سے الزام تراشی کرتے تھے اور آخر میں اب یہ انہوں نے جو مال پہ جو جلسہ کیا پارٹیوں نے سب نے مل کے طاہر القادری کی قیادت میں اس میں انہوں نے لعنت کا لفظ استعمال کیا پارلیمنٹ کے اوپر تو آج دیکھیں اس پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ میں انہیں جانے کی بھی بڑی جلدی ہے اور ایتھک کی آپ بات کرتے ہیں تو حالت تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے باری دی تو مجھے بولنے دیں جب ان کی باری تھی تو کوئی اور نہیں بولا بات سنیں نا بات سننے کا حوصلہ بھی نہیں ہے نا بس قسم کی یہی ہے اس میں بات یہ ہے کہ آج کینڈیڈیٹ کو پٹ کرنا یہ ہماری پارٹی کی ہمارا ہے
इसका फैसला अवाम करेंगे। बक्सर का इस मामले से क्या ताल्लुक है? राणा मकबूल के लिए खिदमत है, उन्होंने इस मुल्क में सर्व किया। देखिए आबद बाक्सर था, वो एब्सकाउंटर हुआ, उसने मुख्तलिफ कत्ल के मुकदमात में और देखिए उसने प्रॉपर्टी के मामला में चला गया। देखिये बात यह है कि बात मैंने पहले भी कहा कि बात करने का हौसला होना चाहिए, बारी बारी बात करनी चाहिए, ये भी एक थोड़ा ठीक है। लेकिन बात करें कि आज देखिये आबद बाक्सर की जब आप बात करेंगे उसका क्रेडिट, उसका क्रेडिट आज हमें दें कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको ला रही है पेट्रोल के जरिए वापिस। उस पे इसके लिए जी उसके बयानात जो दिए ना उससे कुछ अच्छे नहीं आ रहे। उस जो भी बयानात होंगे लेकिन देखिए इसका क्रेडिट तो आज पंजाब गवर्नमेंट को दें, आज इंटरपोल को दें, हम उसको लेकर आ रहे हैं। और देखिए ये आज खामखा इल्जाम पर इल्जाम लगाना और बतान तराशी करना ये तो पीटीआई कन्विक्टेड नहीं है। अगर कन्विक्टेड है आप कोर्ट में चले जाइए, पता चल जाएगा। अदालत के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे? अदालत की देखिए बीमारी थी सर, क्या बीमारी? बीमारी की वजह से सेनेट में बीमारी खत्म हो जा रही है, ये बड़ी हैरत की बात। कोर्ट में पेश होते रहे हैं, ये नहीं बात उन्होंने कोर्ट में पेश होने से जो है फरार इख्तियार किया। अपने N120 वाली कैंडिडेट को तो वापस लाए, अभी तक उन्होंने जो है हल्फ नहीं उठाया। बोलने का मौका देते हैं, इन्हें ज्यादा शौक है, ये बात कर लेंगे तो मेरा ख्याल पास जवाब नहीं है। अगर ये सर आई कम बैक टू यू, सर आई कम बैक टू यू, मैं फायजा मलिक साहब को भी डिस्कशन में शामिल करना चाहती हूँ। फायजा मलिक साहिबा, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिचुएशन जो है ना कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो दिलचस्प सूरत हाल है, जरदारी साहब ने तमाम लोगों को खरीद लिया है, तो फिर कैसे आप लोग जो हैं 6 सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे, क्योंकि आपके पास तो वहां पे माइनॉरिटी में आप लोग। कहा जाना जो है वो तो हवा में बात है, बात जो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ये हैं कि जब बलूचिस्तान को उनका राइट दिया गया आगाज़े हकूक बलूचिस्तान की शक्ल में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने एक चीज पार्लियामेंट ने मंजूर की और हमने कहा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए और बलूचिस्तान की जितनी साबका महरूमियां हैं उनको दूर किया जाए। और हमने अपने दौर में इसके ऊपर तेजी से काम भी किया और कोशिश की कि हम वो चीजें, वो राइट्स जो बलूचिस्तान के लोगों के थे और उनको इतने सालों में नहीं मिले वो हम उन्हें दें। किसने ने दिए इतने सालों में? देखें इतने सालों में जाहिर है जो हुकूमतें आती रही, जो डिक्टेटर आते रहे और जिस तरह से एहसास महरूमी थी और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और बलूचिस्तान की जो वहां पे वजीरिस्तान और वो उन एरियाज में जो सिचुएशन थी दहशतगर्दी के हवाले से और दहशतगर्दों के हवाले से, वो सारी सबके सामने है। और जिस तरह आर्मी के साथ मिलके वो इलाके जो है उनको, वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल कह लें या इसे कमाल कह लें, अच्छी हिकमत अमली थी आसिफ अली जरदारी की और फौज के साथ मिलके उन्होंने किया। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं चाहूं, जो भी मोची गेट पे उनका जलसा हुआ उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं चाहूं तो हुकूमत भी गिरा सकता हूं, गिरा सकता था। अच्छा उनके पास ऐसा क्या, वो मैं कहती हूं उनके पास ऐसा कौन सा स्पेल है कि वो किसी भी हुकूमत को गिरा सकते हैं? स्पेल होता है आपकी जो माइंड है उसमें आपको पता है किस तरह से आपने किस वक्त कौन सी मूव करनी है, सियासी जिसे आप हिकमत अमली कहते हैं वो। लेकिन बात तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नासूर से हमारी जान छुड़वाओ। अब नवाज शरीफ साहब को नासूर कहना, या अल्लाह इस नासूर से हमारी जान छुड़वाओ, इसका क्या मतलब? नासूर क्यों बन गए? नासूर आपके सामने है इस वक्त, जो मुल्क के अंदर इस वक्त जितना भी पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस किसकी वजह से है? मुझे क्यों निकाला, मतलब एक रोना है, आपको निकाल दिया, आप खामोश हो जाए। आपकी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, आप उस हुकूमत को चलने देना। मैं कराची की सूरत हाल पे आ जाए, लोगों को जहरीला पानी लोग पी रहे हैं, ताफून है वहां पर, पंजाब में भी पी रहे हैं। नहीं तो पंजाब में मैं इनसे पूछूंगी, पंजाब में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे गंद नहीं है, यहाँ पे भी गंद है, यहाँ पे भी जहरीला पानी हम पी रहे हैं, उसको ठीक होना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि मैं कहूँ कि उसको वहां नहीं ठीक होना चाहिए, यहाँ ठीक होना, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक। लेकिन बात सिर्फ जो मैं कर रही हूँ, आपने आसिफ जरदारी के हवाले से सवाल किया, उसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि आसिफ जरदारी साहब 2008 में जब इलेक्शन हुए थे तब भी पंजाब के अंदर हम हुकूमत बना सकते थे काफ के साथ मिलके, लेकिन हमने
मैंडेट का एहतराम करते हुए मुस्लिम लीग नून जो है उसको हुकूमत दी थी। हमने कोलेशन हम काफ के साथ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उस वक्त भी हुकूमत बना सकते थे नाजायज तरीके से। अगर हमने आप कह रहे हैं ना कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी हम तब भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की क्योंकि हम समझते हैं ये बेअसूली थी। जिनका मैंडेट था वो चोरी नहीं होना चाहिए था, उनको मौका मिलना चाहिए था, ये असूल की बात थी। ठीक है ठीक है ठीक है फायजा मलिक, मैं शायद लतीफ साहब के पास जाना चाहूंगी। शायद लतीफ साहब, कराची की सिचुएशन कुछ अबतर है, क्या सियासी सूरत हाल सामने निकलेगी? एमक्यूएम अब अगर दो धड़ों में बट गई है तो फिर आपको क्या आने वाले दिनों में नजर आता है कि कौन कामरान टसोरी की किस्मत क्या होगी, सत्तार ग्रुप सबकत लेके जाएगा या फिर आमिर खान? देखें, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक तो ये कि उनके अंदर ये जो फूट है वो वक्त के साथ साथ नजर आनी थी और जो उतार चढ़ाव है उनके अंदर और खासकर लोगों का एतमाद अभी तक नहीं बैठ सका और दूसरा ये कि अब इलेक्शन का वक्त आ गया तो उसके अंदर बिल्कुल ये मजीद इसमें आपको ये चीजें नजर आएंगी क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग तो शुरू हो गई। अच्छा। तो जो लाजमी चीज है कि ऐसे लोग जो इस चीज के मुंतजर होंगे और मजीद जो है वो बटने के लिए तैयार हैं तो उनके साथ मजीद लोगों को मिलाना और ये इस तरह की ताकत हासिल करना सीटों के लिए ये तो किसी भी पार्टी का काम होगा। लिहाजा एमक्यूएम जिसके पास बहुत ताकत थी कराची में उसके लोगों को अलहदा करना और अपनी तरफ लाना वो तो आपको अब नजर आना भी शुरू हो गया। इससे पहले कीमतें लग रही हैं सेनेट के लिए और सेनेट के मामले तय होंगे तो फिर जनरल इलेक्शन के लिए यही काम शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ आप उसूलों की बात करें अहमियत जिसकी जो है अगर वो चंद लोगों को साथ लेके जो वाकई इलेक्टेबल्स हैं और दूसरी पार्टीज के लिए वो अहमियत के मुतहम्मल हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर बाकायदा काम होगा और यूं कराची में आपको ये जो एमक्यूएम के दरमियान तकसीम है ये दूसरी पार्टियों के हक में जाती हुई नजर आएगी। अब डिपेंड करता है कि कौन आगे बढ़कर ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल वहां तो उसी पार्टी का असर रसूख है तो लिहाजा यही दो पार्टीज हैं जो आज तक कराची के हालात को लेकर आगे चलती हैं। मेरे साथ फायजा मलिक साहिबा भी बैठी हैं। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग की है और वो काफी मुतमईन नजर आती है क्योंकि वहां पर उनके लिए जो सेनेटर्स का इंतखाब था वो मुश्किल था। तो ये आपको लगता है दिस इज मॉरली ठीक के करेक्ट कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें वक्त से पहले आप? और एक सेनेट का एक मयार होता था, सेनेटर्स को इंटेलेक्ट की बुनियाद के ऊपर, एक्सपर्टीज, तजुर्बे, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उनका इंतखाब होता था, लेकिन अब डायनेमिक्स चेंज हो गए ओनली टुवर्ड्स मनी। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस में हम देखते आए कि पाकिस्तान में माजी के भी मुख्तलिफ इलेक्शंस आप सामने ले आए तो ये काम होते रहे, ये कोई नई चीज नहीं है। और जैसे इलेक्शन के बारे में खासकर प्री इलेक्शन कैंपेन में जो कुछ कहा जाता है वो जब पूरा नहीं होता तो पार्टीज कहती हैं जी वो तो एक इलेक्शन की कैंपेन थी, उसमें बहुत कुछ कहा गया, जरूरी तो नहीं है कि उन सारी चीजों पर अमल दरामद हो। लिहाजा मैं समझता हूँ जहां पैसे का खेल है ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, ये पैसा इस्तेमाल होगा और जिस कदर पैसा इस्तेमाल होता है उसी कदर वोट हासिल किए जाते हैं। ये पिछले इलेक्शंस को देख लीजिए, धांधली के मामलात आज तक हम सही नहीं कर पाए, यही वो वजह है जिसके तहत हम कहते हैं कि जी इसमें कोई रिफॉर्म्स, कोई इस्लाहात होनी चाहिए। फिर से हम तेजी में हैं कि अगले इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए कोई रिफॉर्म्स, कोई इस्लाहात हुई या ना हुई, क्या इन हालात में जब आप अगले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो अगले पांच साल फिर हम वही रोना रोएंगे कि जी धांधली हो गई और फिर पांच साल धरने हो रहे होंगे, फिर पांच साल एक दूसरे के खिलाफ शिकवें, शिकायतें और कोर्ट के मुकदमात होंगे, ट्राइब्यूनल तक जाएंगे, ये पांच साल इसी में गुजरे ना। तो मैं समझता हूँ ये जा रहा है इस्लाहात की गैर मौजूदगी में, पैसों की बात की, मुझे ये जी जदारपुर साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने भी इस बात को शुरू में कहा कि जी अब एटीएम पैसों की बुनियाद के ऊपर जो है ना सेनेटर्स का इंतखाब हो रहा है, तो जो लोग आपने जो नाम जिन नामों का चुनाव किया है उनमें आयुब अफरीदी साहब भी बिलियनेयर हैं, ठीक है जी, इसके साथ साथ आपके पास आजम सवाती भी, तो फिर आपकी पार्टी में भी तो ये चीज सामने नजर आ रही है ना कि आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड कैन सपोर्ट द पार्टी। पहले बात तो ये फातिमा के सेनेट के इलेक्शन का जो मैंने पहले कहा जो तमाशा हो रहा है कि ये सेनेट के बजाय लग रहा है
کی خرید و فروخت کا ایک بازار ہے. جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے, دیکھیے بلوچستان بڑا ڈپرائیوڈ ایریا ہے. میرے اپنے حلقے کے ساتھ میرے تو اپنی چار جو یو سی ہیں میرے حلقے میں نے 172 میں, وہ ٹرائبل ایریا آف بلوچستان کی آتی ہے. میں ان کے سینٹیمنٹس کو سمجھتی ہوں. یہ جو اوپر بیٹھ کے لوگ جن کے کارپیٹ کے نیچے سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں کسی سیکرٹری خزانہ کے ان کے, اور ابھی جو ان کی حکومت جو ہے وہ چینج ہوئی ہے, پہلی بات ہوئی کہ اگر یہ زرداری صاحب یہ بیان نہ دیتے مال روڈ کے اوپر, سوری شالمی میں جو انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا لاہور میں, اگر وہ یہ بیان نہ دیتے کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کا بھی حال دیکھ لیا تھا, تو میں شاید اگر یہ بیان نہ آتا, یعنی وہ یہ شو کرے کہ میرے پاس کوئی ایسی پاور یا کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ میں کوئی حکومت کو ٹاپل یا چینج کروا سکتا ہوں, تو میں اس سے پہلے اگر بلوچستان کو دیکھتی تو میں بڑی اس بات پہ خوش ہوتی. کیونکہ جو انہوں نے ایک ایلیگیشن جو مجھے بڑی پسند آئی تھی, جو ان کے ایکس چیف منسٹر ہے, انہوں نے کہا تھا کہ 45,000 جو نوکریاں تھی بلوچستان میں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی, وہ خرید و فروخت کے لیے رکھی ہوئی تھی, وہ بلوچستان کے لوگوں کو دے نہیں رہے تھے. تو میں اس چیز پہ بڑا خوش ہوئی تھی کہ چلے ان لوگوں نے ود ان دا ہاؤس بڑے ڈیموکریٹک طریقے سے آواز اٹھائی اور حکومت کو انہوں نے چیف منسٹر کو چینج کیا. کوئی خاص ٹرموائل پاکستان میں نہیں آیا, لیکن جب انہوں نے یہ بات کی اور اوپر سے پھر جب نواز شریف صاحب رو رہے تھے کہ آپ نے بلوچستان کو دیکھ لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ویسے تو خیر نواز شریف صاحب کو ویسے آج کل رونے کا شوق ہو گیا, ہر بات پہ روتے ہیں, لیکن زرداری صاحب کے اس بلوچستان کی موو نے یا اس بات کی اپنے ان کے اسٹیٹمنٹ نے بلوچستان کی حکومت کو کنٹروورشل بنا دیا. تو لہٰذا ہارس ٹریڈنگ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, میرٹ کے اوپر ڈیسیجن ہونا چاہیے, اور ہماری پارٹی تو اس چیز کے سخت خلاف ہے. ہم نے تو لاسٹ ٹائم بھی جب ہمارے پانچ یہاں پہ آئے تھے سینیٹر تب بھی ہم لوگوں نے ایوب افریدی کی بات کریں, وہ تو کبھی نظر نہیں آئے. ایوب افریدی, اس کے علاوہ فیصل جاوید, آپ بالکل پی ٹی آئی کا فیس ہے. میں اگر آپ کو اپنی پوری لسٹ بتا دوں, اسی طرح فیصل جاوید بالکل ہمارا وہ یوتھ کا فیس ہے, وہ ہے. پھر ایک ایوب افریدی صاحب کی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس کے علاوہ بھی ان کی خدمات ہیں. وہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بالکل اوپنلی کوئی پالیٹکس کرتا, کوئی سائڈ پہ. ہم نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہونا چاہیے, آپ ان کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ کا نہیں ہونا چاہیے, آپ ان کے اوپر کوئی الیگیشن نہیں لگا سکتے. یہاں سے آپ ہمارے چودھری سرور صاحب کو دیکھ لیں, اندلیپ کو دیکھیں, ہم لوگوں نے بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ پٹ کیے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ حکومتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ جو پاکستان میں جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے, دیکھیں اس کو اس لیے کنڈیم کرنا چاہیے کہ پھر آپ راستہ روک رہے ہیں, پھر آپ ایک کوالٹی پارلیمنٹیرینز نہیں پروڈیوس کرے, آپ کوالٹی سینیٹرز نہیں پروڈیوس کرے. کہاں پہ سینیٹر اعتزاز احسن, کہاں پہ بات ہوتی ہے؟ آپ نے اعظم سواتی صاحب کی بات کی, اعظم سواتی صاحب کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, وہ کنٹینیو کریں گے, وہ پہلے تھے, وہ آگے مارچ میں جب ریٹائر ہوں گے تو وہ کنٹینیو کریں گے. ہم نے کوئی ان کو نیا پٹ نہیں کیا, لیکن اس کے ساتھ آپ ہمارے شبلی فراز کو دیکھ لیں, ہم نے کس قسم کے سینیٹر پروڈیوس کیے, کیونکہ ہماری پارٹی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ ہمارا اگر یا پھر رانا مقبول یا پھر اسحاق ڈار سے کمپیریزن کریں گے تو آئی تھنک آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ ہم لوگ نے کس قسم کے اچھے سینیٹر جو ہے وہ پروڈیوس کیے. ہارس ٹریڈنگ اس سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان, کیونکہ میں وزیرستان کی بھی ہوں, میں وہاں کے ڈپرائیو ایریا کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہوں, میں خود وزیر ٹرائب سے ہوں. جب فاٹا سے سینیٹرز آتے ہیں یا پھر جب ہمارے وہ 8 کینڈیڈیٹس آتے ہیں, ان کی بھی قیمتیں, آپ اخنزادہ چٹان کے آپ انٹرویو دیکھ لیں, قیمتیں لگتی ہیں. بات درست جی, میں یہی کہہ رہی ہوں, گلزار صاحب کی اور اخنزادہ چٹان صاحب کی آپ انٹرویو دیکھ لیں, وہ کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ بریف کیس آتے ہیں, بریف کیس آتے ہیں, بریف کیسوں کے ذریعے جب لوگ آئیں گے تو فاٹا کا نام نہیں لیں گے, فاٹا کے مرجر کا نام نہیں لیں گے وہ, کیونکہ وہ صرف پیسے کے لحاظ سے کوثار میں بیٹھ کے آئے ہیں. ٹیک ا بریک, سی یو آفٹر دس بریک, آپ رہیے گا, بیکاز ملک اس وقت 84 ارب ڈالرز کا مقروض ہے. یہ پیسے کہاں گئے ہیں اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آپ دی بریک. جی ہاں, ملک اس وقت 84 ارب ڈالرز کا مقروض ہے. یہ رقم کہاں اور کیسے خرچ ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی, مگر جواب ملتا ہے کہ ہمارے خلاف ہو رہی ہیں سازشیں. یہ کہنا ہے چیئرمین نیب کا. میاں صاحب, آپ کی حکومت ہے اور چیئرمین نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ خاص کر پنجاب میں نا بیوروکریسی کے کوئی حالات نہیں اور ہم بات نہیں سنی جاتی, اور بعض اداروں سے عدم تعاون کی شکایت ہے, جس میں نے اسپیشلی کہا ہے حکومت پنجاب کے جو تمام افسران ہیں نا, ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی آنے والے وقت میں اگر انہیں وہاں سے تعاون نہ کیا. نہیں دیکھیں, یہ جو بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم تعاون جو ہے وہ کیوں نہ ہو,
किसी मामले पे भी अभी हाल ही में देखें चीफ मिनिस्टर पंजाब को नेब ने बुलाया था वो खुद गए हैं, उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स मंगे हैं तो कल ही वो एलडीए वाले रिकॉर्ड देकर आए हैं। तो इसमें ये बात कहना कि जी ब्यूरोक्रेसी तामन नहीं कर रही या कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, सर वो क्यों कह रहे हैं कि बाजदारों से नेब का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेट करे उसके बाद चार्ज फ्रेम करे। अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है और चार्ज फ्रेम की है तो वो कौम के सामने ले आए। अगर उन्होंने सिर्फ जबानी और समझते हैं कि उन्होंने अपनी एक स्पीच करनी है और एक अपने बयानिए जो है वो अखबारात की जीनत उन्होंने बनाने हैं तो वो भी उनकी मर्जी है। आजकल आजकल अमली काम करने की बजाय ज्यादा और इस तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैक्सिमम कर्जे लिए हैं सर, तो फिर बात उनकी वैलिड है ना अगर आप देखें। नहीं देखे, मैं आज कर रहा हूँ कि वो इस बात की निशानदेही कैटेगोरिकली निशानदेही करें। जब सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो नेब बुलाती है तो पहले नोटिस के ऊपर वो पहुंच जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, तो इसके बाद ये इल्जाम ब्लेम करना बड़ा मुझिका खेस ही बात लगती है। अच्छा, ये ब्लेम हो गया सर, आप एक बॉक्सर का आगे आप बॉक्सर साथ गिरफ्तार हो गए 12 मुकदमात में, अमली काम करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। 12 मुकदमात है, उनका कहना है कि कोई भी जो कत्ल होता था ना जाली पुलिस मुकाबला वो वजीर आला पंजाब की इजाजत के बगैर नहीं होता। देखिए ये कहने की बातें हैं सर, ब्लेम जो मर्जी कर लें, स्पेशली वो जब देखें ये कहना ये सिर्फ कहने की बातें हैं। उनकी तैनाती की तो सीनियर ऑफिसर ने उनको कहा कि इतने लोगों को कत्ल करना है जिस पर उन्हें इनकार किया, तो फिर विद साहब को शामिल सिर्फ ये टेबल पे बैठ के बातें करने की है। मैं समझता हूँ कि ये हमें खुदा का खौफ करना चाहिए, हमें जो हकायक हैं और सिर्फ जुबानी एक इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। दत्ता साहिबा, लेकिन ये कहने की बात है कि हम अदालत की तरफ रुजू करेंगे और शहबाज शरीफ को इंसाफ के खटारे में। बिल्कुल फातिमा, एक मैं आबिद बॉक्सर से रिलेटेड ये कह रहे ना कि हमें खुदा का खौफ करना चाहिए, ये तो हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात कर रहे हैं ना, ये तो सीधी सीधी गोलियां मारते हैं। इन्होंने यहाँ पे मॉडल टाउन में जो कि डीजी खान या राजनपुर जैसा कोई नो गो एरिया नहीं था, ये लाहौर क्रीम समझी जाती है जहाँ पे 41% बजट इस्तेमाल होता है, इन्होंने मॉडल टाउन में सीधी सीधी खवातीन को और लोगों को निहाते लोगों को गोलियां मारी हैं। फिर अभी जो जैनब केस का वाक्य होता है, पुलिस ने सीधे उन प्रोटेस्टर को गोलियां मारी जो जैनब के लिए जो है वो मांग रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे। इसी तरह हमारा जो हक नवाज जो फैसलाबाद में हम लोग जलसा कर रहे थे, इन्होंने वहां पर हमारे 2 कारकुन शहीद किए, इनको सीधी सीधी गोलियां मारने का शौक है। ये तो अभी आबिद बक्सर की फर्स्ट रिवेलेशन हुई है कि उन्होंने कहा सीएम पंजाब के कहने के ऊपर मैं ये सब कुछ करता था। उसकी वजह थी कि इन लोगों ने पैसे बनाए हैं, यहाँ थाने बिकते हैं या अपने आप को इंपावर इन्हीं थानों के जरिए करते थे, इसे चौक के जरिए करते थे। पुलिस का जो हाल है, जो पंजाब की पुलिस का हाल है, अगर आप गूगल करें तो आपके सामने सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड पंजाब पुलिस के खुद आएंगे। जिन्होंने आपको इंसाफ देना है उन्होंने खुद इंसाफ को, यानी आप इंसाफ लेने के लिए किसी पुलिस वाले के पास जाएंगे वही आपका कातिल और डाकू निकले तो आप किसके पास जाएंगे। और आगे से सबका ये भी कहना है कि सिंध में जरदारी साहब ने रावनवार को पुष्पनाई हासिल थी, यहाँ पर आबिद बॉक्सर को वज़ीर-ए-आला पंजाब की। देखिये पुष्पनाई तो किसी को भी नहीं दी, आबिद बॉक्सर तो खुद बयान दे रहा है, उसके बयान के कन्फेशन के बाद ना हवा में बात है ना टेबल पे बैठ के बात है। मेरे भाई कह रहे हैं कि टेबल पे बैठ के बात करना आसान है, ये तो उसका कन्फेशन है जो टीवी पे आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन खान साहब जो बात करते हैं उसका हमेशा मजाका ही उड़ता है जब भी उन्होंने कोई बात किया है। संजीदा बात करनी चाहिए, रावण बार गायब है तो हुकूमत इस वक्त जिनकी है वो ढूंढ बिलावल हाउस उनका काम है। बिलावल हाउस में तो नहीं है, वो खुद कह रहे हैं, राणा सनाउल्ला ने आज कहा है, लॉ मिनिस्टर पंजाब ने, कि अगर वहां होता तो हम निकाल के ले आते, वहां से हम निकाल के ले आते, लेकिन वो किसी ऐसी जगह है जहां से उसको हम नहीं निकाल सकते। अब ये तो राना सनाउल्लाह बता सकते हैं कि वो ऐसी जगह है, इनकी स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता मामला आज दोपहर को राना सिंध गवर्नमेंट की, उन्होंने उसे पकड़ना था और ये मामला पंजाब के अंदर ले आए या मरकज के अंदर ले जाए, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें और अपना अगर ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सके तो उसका इल्जाम आज पंजाब के अंदर ले आए या राणा सनाउल्लाह। ये मुझे समझता हूँ कि आज देखे हमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, हमें हमें जिम्मेदारी हमें गेम नहीं करनी चाहिए। अगर सिंध के अंदर इनकी
गवर्नमेंट है तो इन्हें वहां पर एक शफाफ गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी का अमल होना चाहिए। सिमिलर पंजाब के अंदर हम समझते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी को यहां पर रवाज दिया, हमने जो मामला था उनको शफाफ तरीके से यहां पर चलाया। अगर देखें कोई क्रिमिनल है, कोई ऐसा आदमी है जिसका जो कि जिसकी मैं समझता हूँ कि जिसका माजी पूरा पाकिस्तान जानता है, तो वो लोग तो अगर वो लोग आपकी प्रोटेक्शन के लिए कोई इस किस्म की ब्लेम गेम करते हैं तो हमें सीधा लेना चाहिए मामला को। देखिए पीटीआई की हालत यह है कि आप पीटीआई को छोड़े, राहुल बार पे बात करें, अंदर आप छोड़े अपने हालात जो है, अस्मा का जो मर्डर हुआ है वो पकड़े गए, उसका उसके अंदर इनका जो प्रेसिडेंट है वहाँ का उसका कोई भांजा, इन्होंने हकायक को तोड़ा मरोड़ा, इन्होंने कहा कि ये वाकई नहीं हुआ, ये इस किस्म का ये रेप ही नहीं हुआ, ये किस किस्म की सारी बातें, ये तो क्रेडिट आज हमें दे पंजाब को कि यहाँ पर फोरेंसिक लैब की हमने इनके ऊपर एक दबाव था, उनके ऊपर एक दबाव था, वो डीएनए सैंपल्स इनको भिजवाने पड़े उसके जरिए, लेकिन जो उनके डीजी है उनको शबाशरीफ कैपेबिलिटी है। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, सिंध के लिहाज से इस वक्त सर्वे और रिपोर्ट के मुताबिक कराची में या सिंध में इतने लोग टेररिज्म में नहीं मारे गए जितने एक्स्ट्रा जुडिशियल इनकाउंटर्स में मारे गए। राहुल अनवार जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था जो अभी तक छतरी तले था। किसकी छतरी तले था? देखिए उनकी सिंध गवर्नमेंट को बताना चाहिए ना, एक शख्स क्या सीएम सिंध से या फिर जितने भी वहां पे रेंजर्स उनसे वो ऊपर चला गया है, अगर वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए बता रहा है कि नीचे मैं यहां हूं मैं यहां हूं, तो क्या वो ट्रेस नहीं हो सकती है? इसलिए इस तरह की बातों को ओवरलैप इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे वो गवर्नमेंट बदनाम हो जाती है। आप जिसको पालते हैं बाद में वो आपके अपने गले पड़ जाता है, जैसे इनको आबिद बक्सर अब गले पड़ेगा। इसका कन्फेशनल एक स्टेटमेंट है कि मैंने सीएम पंजाब के घर पे अब राहुल अनवार जब पकड़ा जाएगा कौन सा एग्जाम है जो नहीं लगाया, पता नहीं है। आप यू टर्न के बादशाह हैं, आपकी पार्टी यू टर्न कहती है, आपने हमेशा जिस बात की नफी की। देखें आज आखिरी बात देख लें, इन्होंने पार्लियामेंट को लानत भेजी है, वो भी लानत भेजी है, और एक इनका जो सो कार्ड इनका साथ लीडर है शेख रशीद, उसने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, लानत भेजता हूं, ना उसने इस्तीफा दिया और ना इन्होंने, इन्होंने पहले इस्तीफे दिए, पार्लियामेंट को बुलाया, फिर उसी पार्लियामेंट में दाखिल हो गए, फिर जब हम आते हैं कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, तो फिर हम ये बातें सोचने की है कि इनका 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 सिर्फ और सिर्फ काम है कि इल्जाम लगा दें, ब्लेम लगा दें और उसके बाद दूसरा उसकी सफाइयां देता रहे, ये काम नहीं चलता। अमली तौर पर मुझे लिंक कर देना दूसरे के साथ, ये बड़ा आसान होता है। इसी तरह की मेरा ख्याल है कि इस किस्म की बातें करने से ये बड़ी अजीब सी लगती है। आपकी हालत सड़कों पे बच्चे पैदा कर रही है, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? जितने हॉस्पिटल, जितना हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, पंजाब के अंदर काम हुआ, आज केपीके में आपके पास गवर्नमेंट थी, आपने कोई एक अस्पताल का नाम बता दें जहाँ कोई एक अस्पताल आपने पूरे केपीके के अंदर नाम रखा, हमने बीसी अस्पताल पंजाब के अंदर बना दिया, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट लगा ये हॉस्पिटल, ये किडनी लिवर ट्रांसप्लांट जा रहे हैं आपके पंजाब में, आप क्या बात कर रहे हैं? आपसे तो कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, आपने तो मुकाबला करना। हमने आज हेल्थ के शोबे में खिदमत की है, एजुकेशन के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में खिदमत की है, वही जंगला बस कहते थे ना, जंगला बस कहते कहते चार साल इनकी हलक खुशक नहीं हुए, आज वो जंगला बस उन्होंने खुद पिशावर के अंदर शुरू कर दिया, ये तो इनकी हालत है, तजाद है इनका, इनके अंदर अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है कि कोई काम कर सके, और सिर्फ बड़ा आसान काम है कि आप इल्जाम लगा दें। आज अल्लाह की मेहरबानी फातमे आला को पूरा दुनिया मानती है, शबाज स्पीड, पंजाब स्पीड, पूरी दुनिया उसकी मतलब है। आप क्या कहेंगे जो काम आज शबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर कर दिया, आप केपीके के अंदर आप सोच भी नहीं सकते, आपकी तो सोच भी वहां से शुरू नहीं होती। ठीक है फैज़ मलिक साहब, आप कुछ, ये वैसे कोई अच्छा तरीका नहीं है कि जब आपके पास किसी बात का आर्ग्यूमेंट ना हो तो आप जोर जोर से चीखना शुरू कर दें, और आप किसी बारी में बात करता हूं, नहीं बारी क्या है, मतलब पूरा प्रोग्राम अगर आपने करना है तो फिर आप अकेले कर लें, फिर हमारे यहाँ बैठने का तो मौका मिला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप कंटिन्यू, आपके पास आर्ग्यूमेंट है नहीं सिवाय चीखने के, हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ ब्लेम है, ब्लेम गेम आप करते हैं, और यही यही आपका जो है आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सफाई और रुसवाई जो है आपका, इसीलिए मुकद्दर बन रही है कि आप सिर्फ ब्लेम करते हैं और कौम समझती है कि आप झूठे हो, आपके तमाम बातें झूठ पर मबनी है। जब आप इलेक्शन कमीशन को तबरे छोड़े, जब आप अदालतों के ऊपर अंगुष्ठनुमाई करें तो उस वक्त ठीक होता है, जब आज हमारे साथ ज्यादती हुई है, पंजाब
पंजाब गवर्नमेंट का यही चेहरा है कि इन्होंने जवाब नहीं देने, लॉजिक्स नहीं देने, इसी तरह चीखम चाह गालम गलोच कर रही है, ये पंजाब का असल चेहरा है। इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई इनके पास। मैंने तो यही बताया कि इलेक्शन कमीशन को आपने गालियां दी, कोर्टों को आपने गालियां दी, जब आप गालियां दें तो वो ठीक है, इल्जामात अदालतों में आपने लगाए। आज अगर हम बात करें तो आपको तकलीफ होती है, इसलिए कि आप लाडले हैं, आज आप लाडले बन चुके हैं, और ये लाडले की जो है इसलिए आप तहफ़ुज़ करते हैं और आपको तकलीफ होती है, हम सच बात कहते हैं। आज लोग हमारे नर्स पे सवार है, इमरान खान आपके नर्स पे सवार है, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारी होगी, हम ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप इसी तरह रोते रहेंगे। अपना गुस्सा ठंडा करें सर। पीटीआई वाले कहते हैं मियां साहब जानते हो, साड़ी बाड़ी आते हो, अब जरा शाहिद लतीफ साहब से मुझे बात कर देते। शाहिद लतीफ साहब, ये सिचुएशन वारी नहीं आनी, ये सब आनी पा रही इनकी आनी मियां साहब, कारकर्दगी बुरी है इनकी, क्या बारी आनी। 2013 में भी इन्हें बड़ा शौक था, अब 2018 में भी मैं पूछ लेती हूँ शाहिद लतीफ साहब से। शाहिद लतीफ साहब, आपके सामने सारी सिचुएशन है, ब्लेम गेम करने से क्या नाउ व्हाट डू यू थिंक आने वाले इलेक्शंस में, फिर अगर इस तरह ही ब्लेम गेम चलता रहा, वहां पे रावण वार नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ पे आबिद बॉक्सर सामने आ गए, तो फिर कौन गवर्नमेंट बनाएगा, क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सेक्शन था, इस मरतबा आपने उसमें बात की कर्जों की, और न जाने बहस जो है वो किस तरफ चली गई। मैं ये समझता हूँ कि यही तरीका कार है, कम से कम पिछले 10 साल से आप ले लें, दोनों हुकूमतें, पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी और मुकम्मल किए इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा और फिर एक जमहूरी हुकूमत के हवाले इस मुल्क को किया। इस दौरान जो कर्जे लिए गए और उन कर्जों को कहाँ इस्तेमाल किया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये कर्जे जो हैं ये इस मुल्क के लिए नहीं, ताफिया के लिए थे। वो अशराफिया जो इस मुल्क का शायद 1% हिस्सा है, उनकी जेबों में जाते हैं, और पार्लियामेंटेरियंस जिनका काम है जो कानून साथी फंड हमारी जेबों में डालो, ये कहाँ का तरीकाकार है? वो जो बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे, कहते हैं जी जीडीपी इसीलिए के पार्लियामेंटेरियंस जो है उनका काम तरक्की के काम करना तो नहीं, उनका तो काम लेजिस्लेशन है, तो लेजिस्लेशन से हटके वो जब तक उनको आप पैसे नहीं देते, वो आपके यही अलमिया है हमारे सिस्टम का। और जब पैसे उनके हाथ में आप देते हैं, वो तो उन कस्बों देहातों गलियों में जाकर तरक्की का काम नहीं करवा सकते, तो इस मुल्क में कौन सी तरक्की हुई? वो सारा पैसा इस हद तक लूट फूट का शिकार हुआ कि अब मार्च तक तकरीबन आपको 25 से 30 बिलियन कर्जे की अदायगी करनी है, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक बैनुल अक्वामी साजिश है, और उस साजिश में ये दोनों हुकूमतें शामिल हैं। वो पाकिस्तान को उस मकाम तक तकरीबन ले जाने में कामयाब हो गई, और अब पाकिस्तान को उसमें से कौन निकालेगा? मैं समझता हूं कि ये सोचते हुए भी इंसान जो है वो डर जाता है कि पाकिस्तान का कर्जा वापसी के बारे में, जो आपने लोन लेके कर्जे देने हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खासकर जो अमेरिका का आपके साथ हालात हैं, सर मुझे बताएं, बड़ी बुनियादी सी बात है लेकिन बहुत अहम बात है, एक मजदूर जो 5,000 रुपए कमाता है, सर मैं आबिद बॉक्सर पे बात कर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे साथ मियां साहब भी बैठे हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी हुकूमत है, हर शहरी 1,20,000 रुपए का मकरूज है, एक बंदा जो 200 रुपए की 300 रुपए की दिहाड़ी करता है वो कैसे देगा ये कर्जा? बिल्कुल जी शाहिद लतीफ साहब, पहली बात कहां से देगा, मुल्क कहां से देगा? वो जो कर्जे देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अमेरिका जैसी ताकत ने मना कर दिया, वो तो आपको उस मकाम पर लाना चाहते हैं जहां आप डिफॉल्ट करें। वो जो एक किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिन मुल्कों को सजा देनी हो कि वो कर्जे लिए जाएं, और जब वापसी का वक्त आए तो उनके कर्जे रोक लो ताकि उस मुल्क को डिफॉल्ट करने पर ले जाओ, और फिर उस मुल्क के साथ जो तबाही होगी वो हमारे सामने है। आपका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आपके बाकी जो मसाइल हैं उसके ऊपर फिर आपके साथ नेगोशिएशंस होगी, आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, न जाने क्या कुछ होगा। और जहां तक ये जो
ये जो कर्जे लिए गए ये तो तब नजर आते हैं ना, हमारी यानी जो बेसिक सहूलतें हैं, बुनियादी सहूलतें हैं, आप उनमें से देख लीजिए। अभी हमारी डिस्कशन में बात हो रही थी कि जी हम जहरीला पानी पीते हैं, हमारी खुराक में जहर मिलाया जाता है, दूध में क्या कुछ मिलाया जाता है, तो ये सारी चीजें। और सर इधर एक कामरान कसोरी का इंतखाब पे इतनी लड़ाई है, तो ये तो बहुत बुनियादी सी बात है, इनको कौन हल करे। कहना चाहूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे क्या मंशूर है? आप लोग बड़े धड़ल्ले से आपने उन्होंने मोची गेट पे ये जलसा भी किया और उसमें कहा जी कि हम तकदीर बदल देंगे मुल्क की, तो मैम पहले आप लोग कहाँ थे जब आपके पास अपने पूरे 5 ईयर्स कम्प्लीट किए? अब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? अब अगर आप आते हैं तो विल यू डिलीवर इट? जब हमने 5 साल जब हम इकतदार में आए हैं तो उस वक्त आपको आप सब यहाँ इसी मुल्क का हिस्सा है, उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे? अभी शायद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि दोनों जमातों को तो आप इसलिए ना रख रहे कि हम 124 सीटों के साथ 5 साल मुकम्मल किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। और क्यों किए हैं? क्योंकि इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं ख़राब और डिलीवर ना करने की जो सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि यहाँ पे कभी जमहूरियत नहीं रही। जमहूरियत होगी तो उसके सम्राट आवाम तक जाएंगे। सर वो मैं वो रोना रोते हैं कि जमहूरियत वो होते हैं कि उनके मुंतखब करदा वजीर आजम को आप नहल करवा देते हैं, अक्सरियत रख के 2/3 अक्सरियत के साथ एक हुकूमत आई और एक हुकूमत वो थी जो सिर्फ 124 सीटों के साथ 5 साल मुकम्मल करती है। ये तो इनकी नाअहली है ना कि ये 2/3 अक्सरियत के बावजूद ना डिलीवर कर पाए हैं, ठीक है, ठीक है, ना ये अपनी हुकूमत को 5 साल पूरे करने साबिक नाहिल वजीर आजम कोर्ट्स को फेस करेंगे या नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू 61-62? देखिए हमने कोर्ट को फेस किया, हमने आने वाले वक्त में सर हम पेश हुए हैं, हमने अपनी बात वहां पर कही है, तो इसलिए ये कहना कि हम कोर्ट को फेस नहीं करेंगे तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। और आइंदा भी पीछे भी किया, आइंदा भी करेंगे, आइंदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं कमेंट करूंगा, शाहिद लतीफ साहब बड़े जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने ये जो कर्जों के हवाले से बात कही है, मैं एक तो उन्हें उनकी बात बजाय कि पार्लियामेंटेरियंस का काम लेजिस्लेशन करना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने हल्का इंतखाब का भी लुक आफ्टर करना है, वहां के जो मिसाइल्स हैं, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन मैं आज करूं कि हमारा काम ये होता है कि हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स दे रहे हैं, सर हमारा काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स देने हैं, लेकिन इस वक्त असल मसला ये है कि 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन हैं, लेकिन ये जो ब्रीफ केस की सियासत है इसका खात्मा होना चाहिए ताकि हमने आ सके कि जो आवाम को डिलीवर करें। फातिमा सैफ को टेबल टॉक विद फातिमा सैफ से इजाजत दीजिए, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।